केरला के अंदर तबाही वाला मंजर देखने को मिल रहा है। 93 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और 128 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं लगभग 400 घर अभी भी फंसे हुए हैं। पूरे के पूरे घर, दुकान, मकान, लोगों के जितने भी यहाँ पे थे सारे बाढ़ के अंदर बह गए हैं। मैं आपको बता दूं केरला के अंदर यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड भी इतनी खतरनाक वाली हुई, एक नहीं हुई कई कई लैंडस्लाइड हुई है जिसमें लोगों के घर साथ के साथ मतलब पूरा का पूरा गाँव ही गायब हो गया है। इस तरीके के लैंडस्लाइड हुई है, पूरा गांव ही खत्म हो गया है, पूरा पानी बहा के ले गया है उसको। उसके अंदर ही यहाँ पे कहीं लोगों के हाथ कटे मिल रहे हैं तो कहीं लोगों का आधा शरीर पड़ा हुआ मिल रहा है। इस तरीके की फुटेज वहाँ से निकल के आ रही है। बचाव कार्य मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो है वो अभी भी चल रहा है और अभी भी इसमें संख्या बढ़ने की यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ सकती है, घायलों की संख्या वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को जो पानी के अंदर से अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो पूरा मैं आपको समझाता हूँ विस्तार से यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ कहाँ हुई है, केरला के अंदर ये जो तबाही वाला मंजर हो रहा है कब से चला हुआ है। ये मामला मंगलवार सुबह का मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो लैंडस्लाइड हुई है कहाँ कहाँ हुई है, जिसमें यहाँ पे मेपड्डी, मुबादकाई और चूरलमाला पहाड़ियों में कई यहाँ पे लैंडस्लाइड देखी गई है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी आ गया था। मुबादकाई में रात 1 बजे ये लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद यहाँ पे चूरलमाला में सुबह लगभग 4 बजे यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड देखी गई। उसके बाद ही यहाँ पे जो है बचाव कार्य जो है यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ही लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। अभी तक लैंडस्लाइड से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, गाड़ी मतलब सभी कुछ लगभग बह चुका है। उसके अंदर लगभग 400 जो घर हैं वो अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे पूरे के पूरे गांव बह गए, लेकिन बहुत सारे घर अभी भी उसमें 400 से ज्यादा घर जो बताए जा रहे हैं वो उसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। पहाड़ों पर भयंकर बारिश की वजह से ये जो लैंडस्लाइड हुई है वो बारिश की वजह से हुई है, पहाड़ों पर बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गई। और इसमें मैं आपको बता दूं भयंकर बारिश तो चली रही थी, ऐसा तबाही वाली लैंडस्लाइड हुई है जिसमें सड़कें, पुल आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे के पूरे, यहाँ पे नदियों में जो यहाँ पे पुल है पूरा का पूरा बहता हुआ दिख रहा है, पुल टूट गए हैं, बिल्कुल घर बह गए हैं लोगों के। और ये सबसे ज्यादा जो यहाँ पे भयानक हुआ है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है चूरलमल्ला गांव था, जो वो पूरा का पूरा ही यहाँ पे हिस्सा था शहर का सबसे यहाँ पे, वही यहाँ पे लगभग खत्म सा हो गया है। रात 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लगभग यहाँ पे 3 यहाँ पे लैंडस्लाइड, बड़ी लैंडस्लाइड देखी गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी आया और उसकी वजह से यहाँ पे तबाही मच गई है। तबाही वाला जो पानी था वो इतनी लैंडस्लाइड जो ही वो तबाही वाला पानी इतनी स्पीड से आया कि लोगों को टाइम ही नहीं मिला भागने का, वो भाग ही नहीं सके, कुछ तो पानी के अंदर ही बह गए, घर भी उनके पानी के अंदर ही, भागते ही कहाँ से वो उसके अंदर ही बह गए। तो इतना यहाँ पे जो है बुरा हाल हुआ है, अभी भी यहाँ पे इसमें बचाव कार्य जो है अपना सारे काम कर रहे हैं, लोगों को बचाया जा रहा है, आर्मी फोर्स को बुला लिया गया है, जितने भी बचाने वाले लोग हैं वो सारे यहाँ पे इसमें मलबे में फंसे लोगों को, घर में फंसे लोगों को, जितने भी लोग फंसे हुए हैं पानी के अंदर जो फंसे हुए हैं सभी को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। आर्मी अपना काम कर रही है, बचाव कार्य अपना पूरी तरीके से इसमें भी लगा हुआ है। साथ ही साथ ये जो घटना हुई है बहुत ही बड़ी घटना हुई है जिसमें 93 लोगों की मौत हुई और 128 से ज्यादा लोग घायल बता रहे हैं, जो बढ़ सकते हैं अभी क्योंकि अभी भी बचाव कार्य चल रहा है। साथ ही साथ ये लैंडस्लाइड जो है इसके ऊपर यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे दुख जताया, साथ ही प्रधानमंत्री ने और राहुल गांधी ने भी इस पे अपनी घटना जो हुई है इतनी बड़ी इस पे दुख जताया है।